फूड भारत माता की जय। भारत माता की जय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले 5 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ, फिर भी हमारे आदरणीय संदीप सिंह जी बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं हमारा अनुपात समान पास बराबर है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनुपात और समान पास फार्म भरने वालों का और धरने में आने वालों का बिगड़ा हुआ है। अगर ये अनुपात हमारा सही होता तो आज हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी अतरौली नहीं होते, यहाँ आप सबसे मिलकर विज्ञापन जारी कराने के लिए अधिकारियों को आदेश दे रहे हो। हमारे भाई बहन सोशल मीडिया पे कहते हैं आकाश भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या यही हमारे साथ हैं? कहते हैं पवन भाई आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। नितेश भाई आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। क्या यही आप सबका साथ है? लखनऊ में अभी मैं एक दुर्गेंद्रा कोचिंग पड़ती है वहाँ पर गया, वहाँ के संस्थापक कहते हैं हमारे बच्चे आपके धरने में नहीं आना चाहते, लेकिन अंदर बच्चे वहाँ से आना चाहते हैं, कह रहे हैं कि आप जाएंगे धरने में तो वो खुद कराने काम कर रहे हैं सरकार से मिले हुए। आखिर कोचिंग संस्थान कब तक आप लोगों को भ्रमित करते रहेंगे? आप लोग भ्रमित होते रहेंगे। आप सबको याद होगा 2021 में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती धरना हुआ था और धरना चलते चलते 17,000 पद के लिए विज्ञापन तैयार हुआ, लेकिन हमारे चुनाव होने के कारण भर्ती नहीं प्रक्रिया शुरू हो पाई। क्या आप सब चाहते हैं कि इसी प्रकार से फिर से बंद पड़ा रहे? सब नहीं चाहते है ना, तो कैसे ये संख्या बढ़ेगी? इसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। आज से धरना अनवरत रहेगा, हमारे सबसे मध्य भाई हैं ये बराबर रहेंगे, हम यहाँ पर रहेंगे। इनमें संख्या बढ़ाने के लिए आपको अपने विद्यालयों में संपर्क करना पड़ेगा, अपने पुराने साथियों से संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन हाँ संपर्क करिए, संख्या बढ़ाइए, लेकिन शांति से हम लोग अपनी मांग रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। बिल्कुल सही है, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन, यहाँ पे अधिकारी आके बदल जाते हैं और हमारे ही कुछ भाई बंधु जो कि एक प्रकार से कपट कर रहे हैं हम लोगों के साथ आए हुए अधिकारी बनते हैं, गुलदस्ता लाते हैं और उनके हाथों चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा देते हैं और फिर कहते हैं कि भर्ती आने वाली है। अगर भर्ती आने वाली है तो इसी प्रकार एक पेपर कटिंग वायरल कराया था एक कोचिंग संस्थान ने, आज कोचिंग संस्थान का न मालिक आकाश द्विवेदी से बात करने की हिम्मत करता है, न सामने पढ़ने की बात करता है, जानता है कि हमारा उसका विद्रोह हो जाएगा क्योंकि उसने छात्रों के साथ गलत किया है। मैं छात्रों के साथ गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं अकेला फार्म नहीं भरूंगा, मेरा परिवार में जो लोग हैं वो फार्म नहीं भरेंगे। सुबह जब लोगों से पूछो आइए धरने में चलते तो कहते हैं आप हो आइए। क्या ये लोग जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो जाएगा, मैंने कसम खा ली है इस साल के अंत तक दाम दाम दंड भेद मुझे कुछ भी अपनाना पड़े, मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन आप सबके समक्ष लाऊंगा अगर आप सहयोग करेंगे। लेकिन एक अकेला सेना कब तक बाहर हो सकता है? अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूँ लगभग 80% नया चेहरा है, ये पहले चेहरा नहीं आया, 20% पुराना आया है, कुछ रास्ते में आ रहा है, लेकिन बात करते हैं हम लोग 50,000, 70,000, 97,000, लेकिन किसी को आंकड़ा नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ यादगारी लोग बता दे 2,40,000 प्लस वैकेंसी खाली है। अगर इस पद से एक भी पद खाली निकल जाए तो मैं यहाँ से आप सबको लेकर चुपचाप घर चला चलूंगा, जीवन में कभी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी नहीं करूंगा। विधानसभा में हमारे मंत्री जी बहुत ही आदरणीय हैं, वो चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन उन्होंने गुमराह करने का कार्य किया है, उन्होंने विधानसभा में पूर्ण रूप से गुमराह किया है। आप सब जानते हैं हमारे ये कार्यकर्ता बैठे हैं, ये भी जानते हैं हर विभाग में प्रत्येक वर्ष रिटायरमेंट होते हैं, 10 से 12, 15 हजार कम से कम रिटायरमेंट हो जाते हैं। बेसिक शिक्षा बहुत बड़ा एक प्रकार से कारोबार संभालता है हमारे,
जब अभी एडमिशन होते हैं तो कहते हैं 1 करोड़ हमारे यहाँ एडमिशन हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया। आपके यहाँ जितना शिक्षक है अनुपात 1:30 का होता है। जो आपने मंत्री जी की ही बातों पे अगर हम आते हैं तो जो उन्होंने एडमिशन बताए थे, और हमारे मंत्री जी कहते हैं अनुपात समान अनुपात हमारा बराबर चल रहा है, क्योंकि हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। छात्र चाहता है कि जो जाएंगे बस आकाश द्विवेदी काम कराएंगे, नीतीश पांडे पवन पांडे ये सब लोग पढ़े हैं, ये लोग लड़ाई लड़ाएंगे, विज्ञापन जारी हो जाएगा। ऐसे नहीं जारी हो जाएगा। 2024 का चुनाव जो लोग सोच रहे हैं कि धरने के कारण नहीं भर्ती आएगी, चुनाव के कारण भर्ती आएगी, तो वो अपना उत्तर प्रदेश का चुनाव देंगे। पुराना रिजल्ट आप देखिए, भर्ती के लिए हमारी सरकार ने देखिए वोट, अपने यहाँ लोकतंत्र है, वोट की मांग है। हमारे यहाँ निचला वर्ग का वर्ग था जिसे खाने के लिए दिक्कतें होती थी, उन्होंने उसके लिए राशन व्यवस्था शुरू की, जब वो काम ही नहीं करना पड़ रहा है। अब आपने इतना पढ़ाई कर लिया है कि आप वो फार्म नहीं भरेंगे, आपको एक यहाँ पे क्रिया लगाने के लिए कह दिया जाता है ना, जिसे बेरोजगार है पकौड़े तल्लू, क्या आप करेंगे? पिछली बार यहाँ पे अधिकारी महोदय ने मेरे डाटा निकाले थे, खंगाले थे कि ये लड़का क्या पढ़ने वाला है कि बिना पढ़ने वाला है। आज फिर मैं कहता हूँ, जब से मैंने टेट क्वालिफाइड किया है या जिस दिन से मैंने पीजीसी किया था सेमेस्टर से मैंने सीटेट पास किया है और मैंने एक एक मार्कशीट दी। अगर यहाँ कोई कहता है तो वो डिजी लॉकर डाउनलोड कर ले, मैं ओटीपी देता हूँ, जो बच्चा घर में बैठ के पढ़ रहा है उससे ज्यादा मेरे नंबर। दुनिया टॉप करने वाला बंदा यहाँ पे धरने पे आके बैठा है, उत्तर प्रदेश में जिसका नाम चला था वो बंदा यहाँ आके बैठा है। क्यों? क्योंकि भर्ती होती है, पता कहाँ चला जाता है, नहीं पता चलता। पढ़ाई ही नहीं जरूरी है। एक बात बताइए, हमारे जब हमने 2021 में धरना दिया था तो 38 साल 39 साल 36 साल वाले भाई बंद आते थे, माताएं बहने आती थी, कंधे फांस रखती थी, छोटे भाई तुम बहुत छोटे हो, घर बैठो बत्ती मिल ही जाएगी। हमने कहा हमें अपनी फिक्र नहीं, हम तो अभी बहुत कम उम्र के हैं, बत्ती मिल जाएगी 40 साल तक। लेकिन आज उनका क्या हुआ, 5 साल में अंदाजा लगा। इसी प्रकार से 5 साल अंदाजा लगाते हुए आपको एक मौका नहीं मिला। अगर आप बाई चांस, देखिए स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज होती है, भर्ती ना मिले तो स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर खराब हो गया तो भर्ती में छूट जाती है, अगला मौका ही नहीं मिलेगा। तो आज 35 साल वाले 40 साल के होके निकल गए, वो नहीं जागे और अपनी भर्ती से हाँ दो बैठे आज प्राइवेट पढ़ा रहे, क्या मिल रहा दिया 12,000। अगर आपने यही सब करने के लिए पढ़ाने के लिए सर 12,000 में बीएड किया, डीएलएड किया, बीटीसी किया, डीएड किया, आज समकक्ष जो है डिग्रियां नहीं है, तो आपने अपने साथ धोखा किया। बीएससी पास करने के बाद, एमए पास करने के बाद भी बंदा जाता है तो उसे भी 8-10-12 हजार मिल जाता है, शाम को कोचिंग पढ़ाने लगो तो 2,500 मिल जाता है। हमारा सपना था बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक बनना, क्या वह इसी प्रकार से पूरा होगा? क्या ये 100-150 की संख्या भर्ती मांग रही है, 57,000 2 लाख? ये हमारे सोशल मीडिया पे प्रलोभन देने वाले भाइयों बहनों, आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि कोई भी आएगा, अगर आप लोग नहीं आएंगे सोचेंगे आज एडमिशन लेने वालों ने एडमिशन ले लिया होगा, लेकिन इस प्रकार से किया हुआ धोखा अपने आप से धोखा कर रहे हैं। कोई यहाँ पे नेतृत्व करता कोई नहीं है, सब पास है, सब आपके भाई बहन है, इनके साथ धोखा कर रहे हैं। ये सब भी अपने परिवार से चल के आए हैं, अगर इनके साथ होगा तो हम सबके साथ होगा। आज ये प्रशासन है, इनकी भी भर्तियां नहीं निकली थी तब इन्होंने संघर्ष किया होगा, निकली। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लखनऊ एससीईआरटी आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हो तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप लोग जो लखनऊ के हैं उन्हें बुलाएं और धरना अंदरज चलेगा उसका सहयोग करें। कैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन, एक समय ये वहां तक मैदान बड़ा होता था, जगह नहीं मिलती थी, आज मुझे खुद लग रहा था। उसके बाद 3 साल बाद ये हाल है, कैसे आज हम लोग पहले बहुत सर जी का मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आपका, और सर के तबीयत खराब है,
तब भी हम लोग के पीछा क्यों आए हैं? क्योंकि सर वैसे टीचर नहीं है और लोग का केवल कोर्स पेछा है। सर बच्चों से हमेशा लगाव रखे हैं, हमेशा से बच्चों की बात पढ़ाई है, चाहे यूट्यूब चैनल हो, करने का मैं हर एक तरीके से आपको हेल्प करूँगा। और इसके लिए सर की इतनी तबियत खराब है, बोलने में बहुत समस्या आ सकते हैं, पर सर आए हैं तो कुछ तक सर बोलेंगे, आप लोग जरूर सुनिए और सर की बातों को यहाँ से सुनिएगा। सर हमारे 2021 में भी आए छात्रों के हित के लिए और आज फिर आए, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। वही तो बस मैं हम लोग चले थे रात 12:30 बजे, एक्चुअली मेरे को ना स्टोन का पेन है और वो खांसी जुकाम हो रहा था, इस बार आ नहीं सकता था। फिर रात में जब हुआ उसमें से फिर बहुत सारे मैसेज किया हो, मैं खुद कह रहा हूँ नाम सुनो तो दुनिया को वही ध्यान से करिएगा, आराम से शांतिपूर्वक करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा सबसे पहले। और मैं पिछली बार जो आया था जब मैंने कहा था कि जब तक सुपर डेट नहीं तब तक कोई मैच नहीं, वो दिन था आज का दिन था, मैं मंदिर ने कोई मैच नहीं तब मैं अभी तक करेगा। और सर सर ने अपनी तरफ से हमेशा से सपोर्ट किया है, आगे भी करेंगे। और यदि सर केवल सपोर्ट कर सकते हैं, भीड़ आपको ही लानी पड़ेगी, सर हमेशा अपने साथ है। सर ने अनवरत धरने में भी लगभग उन्हें पूरा सपोर्ट है मेरी तरफ से जो आपको चाहिए। तो इसलिए जो भी लोग जुड़े हैं, जो नहीं देख रहे हैं, आप आइए। यदि सर ने कुछ कहा है सुपर टेट का बैच तभी आएगा जब विज्ञापन आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा। तो जब सर आ सकते हैं इतनी दर्द के बाद, इतनी तबीयत खराब होने के बाद, तो आप लोगों को नौकरी चाहिए। सर का इससे कोई पर्सनल फायदा नहीं है, वो आए हैं पर आपकी पर्सनल नौकरी है, एक नौकरी है, एक भर्ती है, तो आपको आना पड़ेगा। तो साथियों क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। तो हमारा शिक्षक कैसे है? वही सर कैसा हो? मैं यहाँ पहले ही बता रहा हूँ, छोड़ देना कि तुम किसी कोचिंग को जानते हो, बस तुम एक रोहित सर को जानते हो, वो तुमसे मिला ना कोई कोचिंग का मालिक आया है, कोचिंग से मिला है। और उस दिन से लेके आज तक की बात नहीं, आप लोगों जब मैं यहाँ आता हूँ ना तो मेरे को लगता है कि जैसे भाई कभी ना बच्चे अपने माँ बाप से कुछ मांगते हैं और जो बच्चा जब मांगता है उससे कुछ नहीं मिलता तो एक दिन परेशान होता, दो दिन, लेकिन जब माँ बाप अपने भाई पर तो माँ बाप रोज परेशान होते हैं। और उसी परेशानी में हम आपको कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ कैंपेन चला, मैंने इतनी बार ट्विटर कैंपेन चलाया, 10-50 लोग आते हैं, फिर दूसरे दिन बोल जाते हैं, तीसरे दिन आता है, जिस दिन जज्बा एक दिन होता है फिर पहचान लेगा इसे शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ देखो हमारा सपोर्ट हम ट्विटर का फिर से एक बार थैंक यू। सर ने हर तरीके से हम लोग की मदद करेंगे, चाहे ट्विटर हो चाहे यूट्यूब वीडियो हो, हर तरीके से सर बोल रहे हैं। तो सर के लिए एक बार जोर से ताली सब लोग बजा दीजिए। अब तो हमारे घरों में सो रहे साथियों को जाग जाना चाहिए, हमें पढ़ाने वाले शिक्षक भी चाहते हैं भर्ती आए और हम लोगों के मध्य आ चुके हैं। ऐसे में आप सबको जागना चाहिए और घरों से निकलना चाहिए। लखनऊ में सो रहा हो छात्र जल्दी से जल्दी आए, और यहाँ पे अभी क्या बज रहा है, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, 11:10 हो रहा है। अगर आप लोग लखनऊ के किसी भी कोने में होंगे तो बहुत ज्यादा 50 मिनट लगेगा आपको आने के लिए। आप सबको घरों से निकलना होगा, ट्रैफिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कराना होगा।
अन्यथा लोग आएंगे और चले जाएंगे। चाहिए एक ही मांग है हम लोगों का, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन। इसी के साथ मैं चाहूंगा हम सबके मध्य बैठे भाई बहन आए और अपनी बात रखें और अपने दोस्तों तक जरूर बात पहुंचाए कि भैया आ जाओ। वहाँ की सबसे बड़ी अफवाह फैला रखी है लोगों ने कि वहाँ पे लाठी चलती है, डंडा चलता है, मुकदमा हो जाता है। प्रधानमंत्री से बैठे हैं, मैं 2021 में बैठा, कितना मुकदमा मेरे ऊपर लग गया। अब तक तो मैं दब गया होता मुकदमों से नीचे। अगर लाठी चली होती तो फैक्ट्री लाठी लिए चल रहे होते, नहीं पड़ती है भैया। अपनी मांग रखो आपके साथ। यस हाँ, यहीं जाना। और अगर किसी भी छात्र को, आने वाले छात्र को या बैठे छात्र को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, आपका भाई आकाश द्विवेदी आपके साथ खड़ा हुआ है। आप हमें संपर्क करिए, अगर आने में समस्या है, ट्रेन टिकट नहीं हो पा रहा है, वो भी मैं व्यवस्था करूँ। लेकिन मुझे एक ही मांग है, मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए। क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था, वो मुझे अपना हासिल करना है। भारत माता की जय। हमारा शिक्षक कैसा हो? मैं बहुत प्रसन्न हूँ सर। जब इको गार्डन आया करते थे तब सर आते थे और समय अपना देते थे हम लोगों के मत, और हम लोगों का सब भी मनोबल बढ़ाते थे। आज के सर आए हैं, पहले दिन आए हैं, आप लोग निकल आना, धरना मदद रहेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि विज्ञापन जारी हो, बहुत सही रहेगा। अन्यथा भाई पहले की तरह बंद हो जाएगा, हम सब लोग घर चले जाएंगे और 2-4 साल बाद फिर से कोई बैठने का धरने पे। इस बार हमारे भाई बंधु बैठने धरने पे साथ में। आइए हमारे मध्य बैठे भाई, इतना जने हैं सब, कंधा देवी दे पहुँच गए, चलो विसर्जन विसर्जन करा के परफॉर्म मत होते पास नहीं हमारे बैठा रहे मर घेरा गए विसर्जन करा के क्या दिक्कत बा। चलो ठीक बा भैया। हाँ 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 आवो आवो भैया भैया बोला लखनऊ है भाई। ये मुद्दा हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग आइए और धरने को आगे बढ़ाइए, हम लोगों को सफलता मिलेगी। वो जल्द से जल्द बैठे रहना।